निम्नलिखित का मान निकालिए, हमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं, चार को हमें मान निकालना है, चार को हमें सोल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि हम इन दोनों में से एक वैल्यू को फॉर्मूला लगाना है और हम सबसे पहले चेक करना है कि ये जो थीटा दे रखे हैं इन दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 18 + 72 90 होता है, यानी कि मैंने एक वैल्यू ऊपर की चेंज करनी है या नीचे की चेंज करनी है, मैं सिर्फ ऊपर की चेंज कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस मैं 72 लिख दूं, साइन 18 साइन 90 माइनस 72 मेरे पास कितना है 18, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बटे में मेरे पास है कोस 72, साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास है कोस थीटा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास होता है कोस थीटा, इस केस में थीटा मेरे पास है 72, यानी कि इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, तो बटे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कोस 72 भाग में कोस 72, दोनों वैल्यू कट जाएंगे तो एक मेरा आ जाएगा आंसर। अगली वैल्यू है मेरे पास टेन 26 भाग में कोट 64, इसमें भी मैं सबसे पहले चेक करूंगा दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहे हैं, दोनों को जोड़ने के 90 आ रहे हैं, सिर्फ मैं ऊपर वाली के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 10 90 माइनस थीटा मेरे पास होता है कोट थीटा, अब मुझे थीटा ढूंढना है, तो 10 90 में से क्या माइनस करूंगी 26 आ जाए, तो ये होगा 64 बटे में कोट 64, तो इस केस में थीटा मेरे पास आ जाएगा 64, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोट 64, ये दोनों मेरे पास कट जाएंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा एक। थर्ड पार्ट है मेरे पास कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, 48 और 42 को जोड़ूंगा मेरे पास 90 आएगा, तो इन दोनों में से मेरे को एक फॉर्मूला लगाना है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस की मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो मैं कोस को लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, कोस 90 माइनस 42 मेरे पास आएगा 48, साइन 42 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 42 डिग्री, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, ये प्लस का और ये नेगेटिव, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारा इसमें उत्तर आ जाएगा 0। अगली वैल्यू है हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के देखने में 90 आ रहे हैं, हाँ आप 90 आ रहे हैं, तो एक वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा मेरे पास होता है सेक थीटा, कोसेक 31 को तोड़ना है मैंने 90 में, 90 माइनस 59 कर दूंगा, ये दोनों को सोल्व करूंगा मेरे पास 31 हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा मेरे पास 59, कोसेक 90 माइनस थीटा, इस केस में थीटा मेरा हो जाएगा 59, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक 59 माइनस में सेक 59, ये पॉजिटिव नेगेटिव आंसर मेरा आ जाएगा 0।